वेलकम बैक टू चैनल गाइस। वंस अगेन आपके लिए खास मैं आज आया हूँ चोर बाज़ार के लिए। तो आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ है। मैं तो कुरला से आया हूँ, तो आपको कुरला से पहले दादर आना है। वेस्टर्न लाइन पकड़ के आपको ग्रांट रोड उतरना है। कहाँ पे? ग्रांट रोड। आपको कुरला, मैं कुरला से आता था, आप कहीं से भी आते तो पहले आपको दादर पकड़ना है। दादर से वेस्टर्न लाइन जाके आपको फिर ग्रांट रोड उतर के, अभी यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रांट रोड स्टेशन है, यहाँ से आपको वॉकेबल डिस्टेंस के वॉकेबल मैं बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा है 10-15 मीटर, नहीं 10-15 मीटर नहीं, 500 मीटर तो आराम से, आधा किलोमीटर। एक्चुअली टैक्सी वगैरह होता है, बट यहाँ पे इतना लंबा क्यू है ना, मैं बोला यार चल के जाते हैं, थोड़ा देखते हैं मार्केट वगैरह कैसे। तो आपके लिए मैं बेस्ट व्लॉग देने की कोशिश करूँगा, तो देखूँगा क्या क्या चीज़ें मिलती है। मैं फर्स्ट टाइम है, मेरा ये चोर बाज़ार नाम सुना है, देखते हैं अभी क्या है एक्सपीरियंस। तो चलिए देखते हैं, बाय बाय। तो गाइस बहुत बेस्ट मार्केट है ये, अच्छा मार्केट है आगे। ये तो ग्रैंड रोड का स्टेशन मार्केट है, बट आगे चोर बाज़ार में यार मैं आज तक के लिए मनीष मार्केट गया था, वहाँ पे 30,000 का बजट बताया था, बट चोर बाज़ार में तो आपको मालूम है बजट से कम ही मिलेगा। तो मैं ट्राई करूँगा जितना कम बजट हो उतने में हम, मेरे को आईफोन इसलिए चाहिए था यार, वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा आ जाएगा, आपको भी बेस्ट बेटर हो जाएगा देखने के लिए, और मेरे को भी अच्छा लगेगा थोड़ा वीडियो निकालने के लिए। तो इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट देखते हैं अभी, लेट्स सी व्हाट हैपन। अगर कम बजट में मिलता है तो सीधा ले डालूँगा। तो गाइस अभी लगभग आधा किलोमीटर चल चुका हूँ, अभी बोल रहे आगे आगे आगे, वो कितना आगे मेरे को मालूम है। धूप इतना है कि यार बात ही ख़त्म है यार, एक तो बारिश गिरा ऊपर से, ह्यूमिडिटी है, धूप है, कसम से आपको सीधा यार मार्केट में जाके बहुत वीडियो भी निकालना, तो एकदम मन ही नहीं वीडियो निकालने का, मार्केट में मिलता है। गाइस आपको स्टेशन से चल के आगे सीधा सीधा आना, और राइट में आपको देखो ये राइट, ये वाला राइट है ना, ये वाला राइट आपको चोर बाज़ार मिलेगा, ये वाला राइट मार्केट से चोर बाज़ार है पूरा। फाइनली हम गाइस यहाँ पे आ चुके हैं, और मैं आपको बताता हूँ प्राइस बाय टू बाय। हमारे भाई ने चांस दिया वीडियो बनाने का, एक्चुअली यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं देते, बट हमारे भाई ने चांस दिया, तो आपको बताता हूँ बाय टू बाय वन कितना कौन से फ़ोन का प्राइस है, तो हम उसके बाद हमारे लिए फ़ोन देखेंगे। है वीवो का है, फिर ओप्पो का है, इन्फिनिक्स का है, टेक्नो का है, टेक्नो का तो मेरे पास कुछ नहीं, यहाँ पे आपको शॉप में लगा ऐसे 10-15 हज़ार का आईफोन, आईफोन 11 15,000 का। भाई पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ यार, मतलब यहाँ पे वीडियो का रिस्ट्रिक्शन बहुत है, मार होगा भी क्योंकि ये चोरी का सामान होता है सब, तो यहाँ पे वीडियो का रिस्ट्रिक्शन होना लाजमी बात है। तो कोई नहीं, हमने जितना निकालना था उतना निकाल पाया, और मोबाइल लिटरली 15,000 में मोबाइल मिला, लेकिन वो मैं यार आपको ज़रा बाद में बताता हूँ क्या उसका सीन है। हाँ आईफोन था, लेकिन 15,000 में भी मिल रहा था, लेकिन उसका सीन क्या है मैं बताता आपको, उसे सीन क्या था एक्चुअली, उसका सीन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता था, थोड़ा फ्रेश होता, पानी भी नहीं पीता हूँ, देन मैं आपको उसका सीन बताता हूँ क्या है पूरा। पूरा नर्वसनेस फील हो रहा है, बट यहाँ पे यार आपको जो मैं बताता हूँ आपका, एक अगर ऐसी भी मतलब जो सब मिलेगा यार, कुछ ऐसी भी जैसे मतलब छोटी सी चीज़ मतलब सुई जैसी हाथों को लेगा, इतना नॉर्मल चीज़ होगा, और सब गाड़ियाँ तो यार मैं माँ कसम बताता हूँ, इतना गाड़ियाँ भी थी मतलब सब ऐसे ही चोरी की हुई समझ सकते आप, मतलब यार मर्सिडीज़ हो, BMW हो, उसके स्पेयर पार्ट तो ज़्यादा मिल रहे यार, पूरा खोला खुली चल रही थी उधर, मतलब पूरा जैसा एकदम ऑयल जैसा हुआ था, मैं डर गया भाई कौन सा एरिया आ गया यहाँ पे, तो मैं नहीं जाने वाला था, मैंने दोस्तों से ज़रा इंक्वायरी की कि क्या कैसा है, तो वैसे कौन नहीं जा सकता है, लेकिन फिर आप वीडियो के रिस्ट्रिक्शन है, लिटरली 15,000 में मोबाइल आईफोन, आई एम शॉकिंग रियली, एकदम 15,000 में मोबाइल। मैंने देखा यार अंकल दादा कितने का मोबाइल है, 15,000 का मोबाइल, मैंने बोला थोड़ा ओपन करके दिखाए, तो मेरे को उसके असलियत बताता हूँ क्या, 15,000 में मोबाइल मिलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी नोकिया फ़ोन जितनी भी नहीं थी यार। जैसे उसने ओपन किया मैंने बोला अंकल क्वालिटी दिखा दो क्या है उसकी, उसने ओपन किया पूरा लैग मारने लगा, मैंने अंकल लैग क्यों मार रहे हैं, नहीं होता है कभी कभी, तो उन्हें देखा उसका और क्या, अरे उसका बॉडी सिर्फ आईफोन है, वो देखने में एकदम आईटेल के फ़ोन से भी कंपैरिजन करो तो उसका, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यार ऐसे किसी से भी आपको इतना पैसा देके किसी से फतना, अगर 15,000 का मैं आपको बोलता हूँ वीवो का फ़ोन भी ले लेंगे तो उसका भी अच्छा क्वालिटी मिलेगा आपको, लेकिन ये एकदम कचरा बोल रहे हैं ना चोर, वो चोर बाज़ार नहीं है, वो खुद बना के चोर बनाया हुआ मोबाइल है, मतलब उसमें कुछ क्वालिटी ही नहीं था, मतलब इतना लैग मारता है, मैं सच में मेरे को लगा यार 15,000 में बोला मैं ले लेता हूँ, पूरा जो सेविंग का उसमें डाल देता है यार, अच्छा खासा मोबाइल बन जाएगा, व्लॉग भी निकालने हो जाएगा,
तो मैंने सोचा यार ले लेता हूँ, लेकिन उसका जब मैंने उसको बोला कि अंकल ओपन करने दो, उसने ओपन किया तो क्वालिटी देखा एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी था। आईटेल के मोबाइल से भी कंपैरिजन करूँ तो उसका एकदम 0% क्वालिटी था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आप यार जा रहे हो तो दुकान से ले लो यार, मत चोर बाजार मत को बयाना, क्योंकि आपको दिखाते हैं बहुत बड़े यूट्यूबर दिखाते हैं कि ऐसा है वैसा है सस्ते। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, चोर बाजार इतना मतलब यार मतलब वो क्या क्वालिटी ही नहीं उसमें। मेरे को ना मैंने भी सुना था यार चोर बाजार में अच्छे खासे नहीं मिलते प्रोडक्ट। मैं गया हुआ, हाँ आपको स्पेयर पार्ट यार मिलेगा, आपको मर्सिडीज़ का भी स्पेयर पार्ट मिलेगा, BMW का भी स्पेयर पार्ट मिलेगा, लेकिन आप मोबाइल खरीदने जा रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा आप वहाँ पे ना जाइए। एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी मिलेगा आपको वहाँ पे। जैसे मैं बताता हूँ, एक नोकिया का मोबाइल होता है ना, वो आप खरीद ले, लेकिन वो मत खरीद लीजिए। उसका क्या, अगर बम ब्लास्ट हो जाए, अगर फूट जाए वो मोबाइल, उसका क्या पता कि उसका बैटरी यूज़ किया उसने। मैं खास मोबाइल के लिए आया था, मैंने पूरा मार्केट देखा। मैं यहाँ से स्टेशन चलते जा रहा हूँ, इतना धूप है, मैं यहाँ पे फिर कभी बाद में नहीं आऊँगा यार। अपना साउथ बॉम्बे अच्छा सबसे बेस्ट, दुकान से ख़रीद लो मोबाइल, ये आना ही नहीं इधर। आप हाँ विज़िट करने के लिए आ सकते कि यार देखो क्या है, चोर बाज़ार बहुत फेमस है करके आप विज़िट के लिए आ सकते, बट आप यहाँ पे कुछ भी मत खरीदना यार, आपको फंसाएंगे। ऊपर से आपको बाद में बंदा मिलेगा भी नहीं, ऊपर से आपको प्रोडक्ट जाएगा अलग, और संभाल के आइए। अगर विज़िट करने आ रहे तो सब सामान मोबाइल वगैरह ठीक से रखिए, नहीं तो आपका ही मोबाइल चुरा के आपको ही भेज दे, ऐसा भी हो सकता है। तो प्लीज़ यार आपके लिए ब्लॉग बनाया तो आपको रियलिटी बताए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत 95% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। चलो अभी क्या बोल सकते हैं, मैं कभी जिक्र नहीं किया लेकिन आज कर रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा बुरा लगता है कि वीडियो देखते बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो बात क्या हुई बताइए। तो सब्सक्राइब नहीं करे, अगर फैमिली से जुड़ नहीं रहे और देख के जा रहे तो मतलब क्या होता है। तो फैमिली से जुड़ना है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप, मैं अभी बहुत ब्लॉग, अभी तो यार 12th का ईयर है, तभी भी कोई कमी नहीं हुई ब्लॉग में, बहुत ब्लॉग आएंगे, लेकिन मैं आपको प्लीज़ यार रिक्वेस्ट, काइंडली रिक्वेस्ट है, यह चोर बाज़ार में कभी नहीं आने का, कभी ना आना, बहुत यहाँ पे फंसाते हैं। मैंने देखा यार सीरियसली आपको फोटो, मैंने वीडियो भी नहीं निकालने दिए यहाँ पे, तभी मैंने यार निकाल दिए वीडियो। ऐसा इंडिया में थोड़ी रूल है कि वीडियो नहीं निकाल सकते। से सीधा आना है, सीधा जाएंगे तो आपको राइट साइड में गली मिलेगी, गली में जाके लेफ्ट जाएंगे तो पूरा चोर बाजार है। आपको मैं पहले बताता हूँ, आपको पूरा जो बजट है बताता हूँ। तो कुरला से यहाँ आने के लिए 20 rupees रिटर्न टिकट है मेरे, तो वेस्टर्न लाइन का, तो मैं पहले दादर आऊँगा, दादर से फिर मैं वेस्टर्न लाइन में जाऊँगा, वेस्टर्न लाइन से ग्रैंड रोड, तो 20 rupees हो गया। फिर स्टेशन से यहाँ शेयरिंग है 20 rupees, 40 rupees हो गया, 40 rupees रिटर्न कितना होगा, 60 rupees होगा। तो मेरे को 60 rupees ट्रैवलिंग का गया, ऊपर से सैंडविच का मैंने 35 का सैंडविच खाया, तो टोटल हो गया, मैं बताता हूँ 40, 60, 90, मतलब टोटल 100 rupees का बजट है ये चोर बाज़ार आने के लिए। 100 rupees में आप आराम से चोर बाज़ार रिटर्न आ सकते हैं, और बॉम्बे में हो तभी, और बॉम्बे से बाहर है तो आप खुद का बजट निकाले, अगर सबका बजट बताते रहूँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ठीक है बस इतना ही आज के लिए, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएंगे, इसमें कोई बात नहीं, बस काइंडली रिक्वेस्ट।